अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करना है हमें नेक्स्ट लेक्चर एडिशन ऑफ एन नंबर ऑफ को प्लेनर वैक्टर्स। ठीक है, यानी कि को प्लेनर, यानी कि को का मतलब एक साथ। ठीक है, एक ही प्लेन पर जो एन नंबर ऑफ वैक्टर्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा तादाद में जो वैक्टर्स हैं, यानी कि एन नंबर्स, यानी कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, एन कोई भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कितने सारे वैक्टर्स अगर एक ही प्लेन के ऊपर हैं, ठीक है, तो उनकी एडिशन किस तरह से होगी। ठीक है, तो देखते हैं द एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स बाय द मेथड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर एन नंबर ऑफ कोप्लेनर वैक्टर्स। कह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मैथड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी मैथड के थ्रू हम ना सिर्फ दो वैक्टर्स की एडिशन बल्कि उस वैक्टर्स की तादाद को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एन नंबर तक के। एन नंबर तक के यानी कि 2 से हम 3, 4, 5, 6, 10, 20 हम अमाउंट ईजिली बढ़ा सकते हैं और उन वैक्टर्स को इसी मैथड से, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मैथड से ही हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो वैक्टर्स एन नंबर ऑफ वैक्टर्स को प्लेनर वैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि एक ही प्लेन पर होने चाहिए। ठीक है, A1, A2, A3, A4 देखें इनकी अमाउंट कहाँ तक के जा रही है, AN कोई भी अमाउंट हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। ठीक है, तो इतने सारे वैक्टर्स अगर एक साथ हैं, ठीक है, तो उनकी एडिशन हम रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ठीक है हमारे पास वेक्टर्स काफ़ी सारे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इन सारे वेक्टर्स के जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, A1 का एंगल हो जाएगा θ1, A2 का एंगल हो जाएगा θ2, A3 का एंगल हो जाएगा θ3, A4 का एंगल θ4 और इसी तरह AN तक के अगर हम जाएंगे तो एंगल भी कहाँ तक के जाएगा, θN तक के जाएगा। और हम जानते हैं कि तमाम एंगल्स एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बाय रिजॉल्विंग ऑल द वैक्टर्स इन टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स द इक्वेशन बिकम, कह रहे हैं कि अगर हम इन तमाम वैक्टर्स को ऐड कर दें रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट से तो फिर इक्वेशंस ये बन जाएंगी। ठीक है, क्या देखो, हमें ए एक्स की बात करें। ठीक है, इक्वेशन 2.22 और 2.23 पर हम जाकर जल्दी से देख लेते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए, इक्वेशन 2.22 और 2.23 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी, जिसमें हम लोगों ने दो वैक्टर्स की जब एडिशन की थी तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स यानी कि ए एक्स और ए वाई की हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, यह पूरा किस तरह बनी थी, क्या बनी थी, एक लंबी डेरिवेशन है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि ए एक्स और ए वाई यानी कि वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर निकाले थे जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो ए एक्स यहाँ पर किसके इक्वल था, ए वन एक्स यानी कि फर्स्ट वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस सेकेंड वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, और ए वाई किसके इक्वल था, जो रिजल्टेंट वैक्टर ए था उसका जो वाई कॉम्पोनेंट था। ठीक है, ए क्या है, रिजल्टेंट वैक्टर, वाई क्या है, उसका वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वैक्टर का जो वाई कॉम्पोनेंट है वो किसके बराबर था, फर्स्ट वैक्टर के वाई कॉम्पोनेंट प्लस सेकेंड वैक्टर के वाई कॉम्पोनेंट। यहाँ पर सिर्फ दो वैक्टर्स के एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक में सिर्फ दो वैक्टर्स की एडिशन करवाई थी। ठीक है, अगर इन्हीं इक्वेशंस को हम एन नंबर ऑफ वैक्टर्स तक के लेकर जाएँ तो हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ए एक्स यानी कि रिजल्टेंट वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, तमाम वैक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। जिस तरह पिछले टॉपिक में ए एक्स हमारे पास ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स तक के सिर्फ इतना बना था, यानी कि उसमें सिर्फ दो ही वैक्टर्स हमने ऐड किए थे, तो फर्स्ट वैक्टर का एक्स, सेकेंड वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम जितने वैक्टर्स ऐड करेंगे उतने वैक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट्स ले लेंगे। ठीक है, अगर हमारे वैक्टर्स जा रहे हैं ए एन तक के तो ए एन तक के एक्स कॉम्पोनेंट्स हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो ए एक्स रिजल्टेंट वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट किसके बराबर होगा, फर्स्ट वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस सेकेंड वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस थर्ड वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट, और ये इसी तरह से कैरी हो जाएगा लास्ट वैक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट तक के, यानी कि ए एन एक्स तक के एन वैक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट तक के। ठीक है, डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हैं एक ही प्लेन के ऊपर ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन तक के नंबर ऑफ वैक्टर्स जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो ए एक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो 2.22 के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी को अमाउंट बढ़ा सकते हैं ए एन एक्स तक के। ठीक है, अब हम लोगों ने बिल्कुल जिस तरह लास्ट टॉपिक में किया था ए वन एक्स और ए टू एक्स की वैल्यूज़ पुट कर दी थी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे इन सब की। ए वन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें ए एक्स की वैल्यू होती है, हम लोगों ने ड्राइव की है ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये ए वन एक्स है तो ए वन कॉस थीटा वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैक्टर का जो थीटा है वो थीटा वन है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर ये ए टू एक्स है तो ए टू कॉस थीटा टू, अगर ये ए थ्री एक्स है तो ए थ्री कॉस थीटा थ्री, अगर ये ए एन एक्स है तो ए एन कॉस थीटा एन। ठीक है,
तो इस तरह से ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हुए हैं, बस ये है कि एक नई चीज़ है, हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी दिखने में लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है, ईजी है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अभी हम लोगों ने एक्स कॉम्पोनेंट की इक्वेशन बना ली है, ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे वाई कॉम्पोनेंट की तरफ इसी तरह सेम प्रोसेस से। अच्छा, वाई कॉम्पोनेंट पर मूव करने से पहले हम लास्ट वाले इक्वेशन को एक जगह पर कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ये वाला साइन आप लोगों ने मैट्रिक में या उससे पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, इसे हम सबमिशन कहते हैं। ठीक है, सबमिशन, ठीक है। अच्छा, अब सबमिशन कहाँ तक की हो रही है, देखो एन नंबर तक की हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है, ए की हो रही है। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा देखो, अब ए आई कॉस थीटा आई, ए एक्स यानी कि जो ए एक्स, ए एक्स का क्या मतलब है, ए एक्स का मतलब है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री एक्स वगैरह वगैरह, ये ए एन एक्स तक के गया था। ठीक है, तो इसका मतलब तमाम वैक्टर्स के, तमाम वैक्टर्स जो ऐड होकर एक रिजल्टेंट वैक्टर बना रहे हैं, उन तमाम वैक्टर्स के अगर हम एक्स कॉम्पोनेंट्स का सम कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह ए वन एक्स आया, ए वन कॉस थीटा वन, ए टू कॉस थीटा टू, ए थ्री कॉस थीटा थ्री। ठीक है, तो इसी तरह जब हम सब सम करेंगे तो अब हम उन सब को इतना लंबा इसी तरह से लिखने के बजाय हम लोग उसको एक सबमिशन के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक सबमिशन के अंदर सब कुछ कंबाइन हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, सब में ए वन एक्स, सॉरी ए वन कॉस थीटा वन, ए टू कॉस थीटा टू, ए थ्री कॉस थीटा थ्री, तो यहाँ पर सबमिशन के साथ क्या गया, ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि तमाम ए और कॉसेस का सम हुआ है। ठीक है, तो ए कॉस थीटा यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, बाकी कहाँ तक के जा रहे हैं, एन नंबर तक के जा रहे हैं, इसलिए ऊपर हम लोगों ने एन लिख दिया है। ठीक है, और आई आप यहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर तक के जा रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हमें अमाउंट नहीं पता है। ठीक है, तो ए वन टू थ्री वगैरह की जगह पर हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर जब सम किया तो आई और आई यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं ए वाई की तरफ। ए वाई का इसी तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोग वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो वो तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स के सम के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का वाई कंपोनेंट प्लस सेकंड वेक्टर का वाई कंपोनेंट प्लस थर्ड वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और इसी तरह यह चला जाएगा लास्ट वेक्टर यानी कि ए एन वाई तक के एन वेक्टर के वाई कंपोनेंट तक के। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ए वाई की वैल्यू क्या होती है, ए वाई की वैल्यू होती है ए साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ए वन वाई है, अगर फर्स्ट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है तो ए वन और साइन थीटा वन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए वन वाई का क्या है, ए वन साइन थीटा वन, ए टू वाई का है ए टू साइन थीटा टू, ए थ्री वाई का है ए थ्री साइन थीटा थ्री, इसी तरह ए वन वाई ए एन वाई का आया ए एन साइन थीटा एन। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम इनका सम निकालेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा सबमिशन एन नंबर तक के जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ए साइन थीटा यहाँ पर ले लेंगे कि तमाम ए और साइन थीटास का सम है, सबमिशन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे वन टू थ्री की जगह हम लोग सिर्फ यहाँ पर आई और आई ले लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्योंकि देखो, अच्छा अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये कैसे पता चलेगा इस वाले फॉर्मूले में फिर ये एन मतलब कितने अमाउंट तक के जा रहा है, ये किस तरह से हम पुट करेंगे। तो देखें, एन अगर आपका फॉर एग्जाम्पल टेन होता है ना तो वो यहाँ पर आ गया है, ये रिप्रेजेंट कर देगा कि अच्छा ये टेंथ वैक्टर तक के समय। ठीक है, तो चले आगे मूव करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको भी ड्राइव कर चुके हैं, उससे लास्ट लेक्चर में भी हम इसको देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में तो हमने इसी में मजीद वैल्यूज पुट की थी। ठीक है, अच्छा तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसका एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर विद इन अंडर रूट। ठीक है, दोनों चीज़ों को ऐड कर दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड कर हम अंडर रूट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अब बहुत दफ़ा हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ए एक्स की जो अभी वैल्यू निकाली है इस लेक्चर में वो, और ए वाई की जो वैल्यू निकाली है वो, ये दोनों पुट करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उनको प्लस करेंगे और अंडर रूट में उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए एक्स की क्या वैल्यू निकाली हम लोगों ने, समीशन ऑफ ए आई कॉस थीटा आई। ठीक है, और क्योंकि ए एक्स के ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूले में तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, प्लस प्लस फिर ए वाई की जगह हम क्या वैल्यू ले लेंगे, समीशन ऑफ ए आई साइन थीटा आई। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर है फॉर्मूले में तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और ये सब कुछ अंडर रूट में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया है फॉर एन नंबर ऑफ वैक्टर्स एडिशन। ठीक है, अगर हम लोगों ने दो से ज़्यादा वैक्टर्स, एन नंबर हैं वैक्टर्स के, अगर हमने बहुत सारे वैक्टर्स को ऐड करवाने तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला फाइनल ड्राइव हुआ है। ठीक है, दो वेक्टर्स के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग
दो से ज़्यादा एन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जिनके हमें अमाउंट नहीं पता, वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है मैग्नीट्यूड का, वो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन किस तरह से निकलेगी रिजल्टेंट वेक्टर की, अब लास्ट दो लेक्चर्स में हम लोगों ने डायरेक्शन का भी फॉर्मूला देखा है। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू, थीटा को हम डायरेक्शन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन को हम थीटा से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिटेल, और टेंजेंट थीटा, ये फॉर्मूला किस तरह है, सारी डिटेल्स में पूरी डेरिवेशन हम लोगों ने की है, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब सिंपल इधर भी क्या करना है, ए वाई और ए एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। इस लेक्चर में ए वाई जो हम लोगों ने निकाला है एन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए, वो ये है समीशन ऑफ ए आई साइन थीटा आई, और इसी तरह से जो हम लोगों ने ए एक्स निकाला है वो ये है, दोनों को पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला फाइनली ड्राइव हो गया फॉर सबमिशन ऑफ, यानी कि फॉर एडिशन ऑफ एन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स थ्रू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मेथड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई, डेरिवेशन हमारे पास इस चैप्टर की यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, वेयर थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है। हमें पता है, मैंने आपको बताया कि थीटा को हम डायरेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो थीटा है, विच, अब थीटा डिपेंड किन किन चीज़ों के ऊपर करता है, विच डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो थीटा किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, थीटा डिपेंड करते हैं ए एक्स और ए वाई के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, भाई किस तरह से ये देख लो, क्योंकि थीटा के फॉर्मूले में कि थीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए एक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और ए वाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही हुई है कि थीटा इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए भी थीटा निकाल सकते हैं, किस तरह से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ए वाई अपॉन ए एक्स का यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा विद द हेल्प ऑफ फाई, ठीक है। ये है हमारे पास फाई, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर जो है ना फाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, थीटा, और इसमें ज़रा सफर के देख लेते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा विद द हेल्प ऑफ फाई इन द फोर क्वाड्रेंट्स कैन बी डिटरमाइंड एज, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूले की मदद से। देखो, अगर आप थीटा वाला फॉर्मूला देखो ना, तो थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, थीटा वाले फॉर्मूले में आपके पास ए वाई अपॉन ए एक्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर उसी ए वाई अपॉन ए एक्स का क्या ले लिया, इस वाले फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, वो जल्दी से हम यहाँ पर समरी में देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं चारों क्वाड्रेंट्स में। क्वाड्रेंट्स भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन किए आपको, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पर होता है थर्ड, और यहाँ पर होता है फोर्थ, ठीक है। इस तरह से चारों क्वाड्रेंट्स में जो आपके पास थीटा की वैल्यू है वो इसकी मदद से निकाली जा सकती है। किस तरह से, जल्दी से देखते हैं। हमसे कह रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ द कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए आर पॉजिटिव, ठीक है भाई। हमसे कह रहे हैं, हाँ ठीक है, ये वाली बात हम लोग जानते हैं। क्या कह रहे हैं हमसे कि अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो भाई वही, अगर कार्टेशियन वाला आप लोगों ने लेक्चर अच्छे तरीके से लिया हुआ है और वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ है, तो ये वाली बात सबको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है और आपका वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एक्स और ए वाई जो होता है रिजल्टेंट वेक्टर के, ये जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, दस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर थीटा इज फाई, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन होगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है, वो क्या होगी, वो पॉजिटिव फाई हो जाएगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है, वो ये हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यानी कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होगा, आपका ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि एक्स ये वाला, वाई ये वाला, यानी कि वेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे हमसे कह रहे हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट, भाई अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, अब ये सेकंड क्यों है, वो फर्स्ट क्यों है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड हो जाएगी नेगेटिव एक्स और ये वाली साइड रहेगी वाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स होगा नेगेटिव और वाई होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट ए एक्स इज नेगेटिव एंड ए वाई इज पॉजिटिव, ठीक है। दस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस फाई, ठीक है। यानी कि 180 में से अगर मैं फाई को माइनस कर दूंगी तो आपके पास आ जाएगा इसका थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर कुछ इस तरह से मौजूद है, ठीक है, तो ये है आपके पास एंगल 180, ठीक है। इस 180 में से अगर आप इस फाई को, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किस तरह, आगे आप लोगों को एग्जाम्पल्स देखोगे, आगे डायग्राम देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में कह रहे हैं हमसे इन द थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी आपके पास नेगेटिव होता है और वाई भी आपके पास नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं। दस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन 180 + 5, ठीक है, यानी कि 180 में अगर हम और 5 यहाँ पर जो भी एंगल है उसको प्लस कर देंगे तो फिर हमारे पास डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये है आपके पास 180 डिग्री, ठीक है, पूरा एक डी भी इस तरह से होती है ना, डी इस शेप में होती है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है। तो 180 में अगर आपका जो है वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि वो इधर कहाँ है, ठीक है, तो 180 में अगर आप इस 5 को, इस एंगल को आप प्लस कर दोगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा ओवरऑल एंगल, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमसे कह रहे हैं इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ए एक्स इज पॉजिटिव एंड ए वाई इज नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमसे कह रहे हैं कि जो आपका एक्स होगा, एक्स आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव है लेकिन जो वाई होगा आपका वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी ना, जब आपकी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से होगी तो आपके पास डायरेक्शन, तो आपके पास थीटा किस तरह से आ जाएगा, 360 - 5 आप कर दोगे। 360 - 5 के मतलब ये टोटल ओवरऑल 360, किस तरह 360 है भाई, ये 180, ये 180, 180 प्लस 180 ओवरऑल जो सर्किल होता है उसका भी एंगल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अगर आप 360 में से इस 5 को, ठीक है, ये है पूरा 360, उसमें से आप इस 5 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा बाकी का एंगल थीटा, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने जो कुछ भी देखा ना इन चारों कंक्लूडिंग पॉइंट्स में से, उसको ना जल्दी जल्दी से हम इन डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं तो हमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इस डायग्राम में जल्दी से देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। ये देखो, ये वाली हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात, ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। तो जितना आपका यहाँ पर फाई है, ये अगर आपका फाई है तो उतना ही आपका टोटल थीटा है जो इस डायग्राम में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और आपका वेक्टर भी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आपका एक्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और आपका वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमसे कह रहे हैं कि ये है टोटल ओवरऑल क्या, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इस 180 में से हम क्या करेंगे, इस 180 में से, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट और हमारा वेक्टर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है हमारे वेक्टर का और ये हमारे वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो सेकंड वेक्टर में जो हमारे पास थीटा आएगा वो कैसा आएगा, ये टोटल 180 डिग्री है, ठीक है। 180 में से अगर हम इस फाई को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा बाकी इतना जो है हमारा एंगल है, बाकी इतना हमारा थीटा है, ठीक है। क्या इस वन, ये टोटल 180 है, उसमें से फाई ये है जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, अगर हम 180 में से इस फाई को माइनस करेंगे तो ये बाकी का थीटा हमारे पास आ जाएगा, क्या ये बाकी का थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये जितना यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास थीटा, ये डायग्राम में एरो भी बना हुआ है, ठीक है, ये है आपके पास थीटा। ये थीटा आपके पास कैसे आएगा, जब आप ये पूरा 180 है, इस 180 में से इतना फाई है, इस फाई को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इसको इतना हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 180 में से इतना हिस्सा माइनस कर रहे हैं तो इतना हिस्सा हमें मिल रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं थर्ड की तरफ। भाई थर्ड में हमसे कह रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स है वो भी नेगेटिव है और जो वाई है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो वैसे भी देखो एक कॉन्सेप्ट आपको मैं एक और समझाती हूँ, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव आपके पास जो आया थीटा वो भी था पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फाई, जितना थीटा था उतना, जितना थीटा, जितना फाई था उतना ही आपका थीटा था, ठीक है, यानी कि आप थीटा जो है फाई की मदद से निकाल पा रहे हो इन चारों ही क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, यानी कि आपका जो थीटा है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, एक्स और वाई कंपोनेंट्स की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमसे कहने, ठीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया कि ये एक्स है ये वाई है दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव फाई आया है, ठीक है, जितना फाई आया है उतना ही थीटा आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और उसका रीज़न क्या है वो तो डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट में आपका एक्स तो पॉजिटिव, आपका एक्स नेगेटिव है ना, यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव है, ठीक है, और आपका वाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इस तरह 180 माइनस थीटा आया आपका, ठीक है, 180 माइनस फाई आया, सॉरी 180 माइनस फाई जो है ये आपके थीटा के इक्वल आया, ठीक है। क्यों,
क्योंकि ये पूरा आपका यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दे चुकी हूँ। ये पूरा आपका अगर 180 है, ठीक है, तो उसमें से इतना हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बाकी का थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारा ये भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, ठीक है, और हमारा वाई भी नेगेटिव है। अब माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक मैथमेटिकली भी कॉन्सेप्ट बन रहा है और एक डायग्राम के थ्रू भी बन रहा है, ठीक है। अब जहाँ तक के आपके वेक्टर की पोजीशन है वहाँ तक के थीटा कैसे निकलेगा? अब ये पूरा ओवरऑल आपका थीटा है ना भाई, ये कैसे निकलेगा? इतना आपके पास फाई है और इतना आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, आप 180 प्लस फाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा, ठीक है। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। शुरू शुरू में आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, एक न्यू चीज़ थी आपके लिए, लेकिन इतनी दफ़ा रिपीट करने का मकसद ही यही होता है कि हर तरह से उसको इस तरह हर अंदाज में बताने की कोशिश करूँ कि शायद किसी अंदाज में समझ में आ जाए, अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो, ठीक है। फिर इसी तरह से हमसे कह रहे हैं कि भाई अच्छा, लास्ट वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास ये भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, नहीं वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि अगेन पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले हैं, ठीक है। मेंटली इस चीज़ के लिए तो हम प्रिपेयर हैं, ठीक है। बाकी देखो, ये है पूरा, ये पूरा एक सर्किल बना रहे, ठीक है। तो ये पूरे जो ये पूरा जो हमारे पास होता है, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना है, ये है मेरा थीटा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की पोजीशन यहाँ पर आ रही है। अब मुझे अगर ये थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ये फाई है, मैं इस पूरे 360 में से इस फाई को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास इतना ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसने मैंने यहाँ पर क्या किया, 360 माइनस फाई कर दूंगी तो ये थीटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं, चारों क्वाड्रेंट्स में हमने अपने वेक्टर्स को देख लिया, ठीक है। देखो, फर्स्ट में कह रहे हैं कि ए एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए वाई इज ज़ीरो, थीटा इज़ ज़ीरो। अच्छा देखो, हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ए एक्स आपका ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ए वाई आपका ज़ीरो हो तो फिर जो आपका थीटा होगा वो ज़ीरो डिग्री होगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अभी आपको ये समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू। सेकंड में हमसे कह रहे हैं कि अगर ए एक्स आपका ज़ीरो हो और ए वाई आपका ज़ीरो से बड़ा हो, ठीक है, अगर ए एक्स आपका ज़ीरो और ए वाई आपका ज़ीरो से बड़ा हो तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में हमसे कह रहे हैं कि अगर ए एक्स ज़ीरो से छोटा हो और ए वाई एग्जैक्टली ज़ीरो हो तो थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से आपको ये 2.6 एग्जांपल के साथ मैं इसको सॉल्व करवा देती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा लंबा काम है, डायग्राम के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा, ऐसे एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, जस्ट इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं ये।